फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं दिखा रही हूँ कि यदि आप मैक्रोनी या पास्ता बनाना चाहते हैं और खाना पसंद है आपको, तो किस तरीके से बनाएं। तो आज मैं बना रही हूँ चीज़ मैक्रोनी। तो चीज़ मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले बटर डाला है थोड़ा सा। आप ऑयल में भी बना सकते हो, तो मैं थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। आप सिर्फ बटर और पैन में ही बना सकते हैं, कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूँगी, यहाँ पे गार्लिक मैंने लिया चॉप किया हुआ और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है इसको। तो ये हमारा जो गार्लिक है अच्छे से हल्का सा सौते हो गया, हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। तो मैं ये सॉस बना रही हूँ, पहले वाइट सॉस। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मैदा ली हुई है, इसको हमें अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। वैसे तो मैं बहुत सारे पास्ता के वीडियो डाल चुके हूँ, वाइट सॉस पास्ता कैसे बनाएं, वाइट सॉस मैक्रोनी कैसे बनाएं। तो ये मैं चीज़ वाला आज बना रही हूँ। तो आप वेजिटेबल वाली भी ये मैक्रोनी बना सकते हैं, और आप चाहो तो इस तरीके से प्लेन चीज़ वाली भी बना सकते हैं। ठीक है जी, चीज़ में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, प्लेन चीज़ हो या फिर मसाला चीज़ हो, वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ भी कई फ्लेवर में आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा सौते हो गई है, सौते ही करना है, बहुत ज़्यादा इसमें आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब मैं 1 कप उबला हुआ दूध डाल रही हूँ, आप कच्चा भी डाल सकते हो, बस उबाल के जब यदि आप डालते हैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इस समय मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर रखा है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। लो और मीडियम फ्लेम के बीच में आप गैस का फ्लेम रखेंगे, या तो लो रख लीजिए या मीडियम, इससे ज़्यादा हाई ना करें। उससे क्या होगा ना, आपकी मैदा बहुत अच्छी बुनेगी और जलेगी भी नहीं। ठीक है जी। तो ये सॉस का प्रोसीजर मैंने अभी शुरू कर दिया है, और ये सॉस हमारी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो आपको पसंद आए, यूजफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब किचन में कोई चार चैनल को ग्रो करें, फिर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, उससे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज मिलेंगे आपको देखने के लिए और सीखने के लिए। तो चलिए, ये जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा, हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो सॉस हमारी गाढ़ी हो रही। इस स्टेज पे हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, और मैंने ये 1 चम्मच यहाँ पे वाइट मेयोनी का यूज़ किया हुआ है। तो वाइट मेयोनी आप एगलेस वाली भी ले सकते हैं, एग वाली भी ले सकते हैं, जो भी आपको खाना पसंद है वो ले सकते हैं। किसी भी कंपनी की हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक ही कंपनी पर्टिकुलर है, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। अच्छा, इनकेस इस तरीके की गाढ़ी यदि आपकी सॉस हो रही है, तो अब आपने क्या करना है, यदि आपके पास दूध भी नहीं है तो आप क्या करें, दूध आप यूज़ नहीं कर सकते इसमें, है तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं यूज़ कर। तो आपने क्या करना है, इसमें डालना है अब 1/2 कप पानी, क्योंकि हमें ये सॉसी चीज़ मैक्रोनी बनानी है। आप, मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, आप पास्ता भी बना सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं कि आप मैक्रोनी कितनी उबालें, कैसे उबालें, पास्ता कैसे उबालें, वाइट सॉस कैसे बनाएं, और मैक्रोनी पास्ता कैसे बनाएं, सबका वीडियोस डाला हुआ है मैंने। अब इसमें 1 उबाल आ जाएगा, तो अब हम ये इसमें डालेंगे बैज। तो अब मैंने ये बैज डाल रही है इसमें। तो ये बैज आप डाल के आपने 2 मिनट तक इसको पकाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल फ्री। चैनल को चार्जिंग, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, चैनल को फ्री सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपको देखने के लिए और सीखने के लिए। तो ये सारी बैच मैंने डाल देनी है इसमें। अब इसको हमें पकाना है 2 मिनट। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी है बैज, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप ओवर कुक कर देंगे तो वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें इसमें थोड़ा सा क्रंचीपन रहे वेजिटेबल में, वो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। और यदि आपके पास इसमें जो मैंने वेजिटेबल यूज़ की है, तो आप रेड कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं यदि आपके पास है, नहीं तो जो मैंने गाजर और ये शिमला मिर्ची और ये स्वीट कॉर्न यूज़ किए हैं, तो आप ये सारे यूज़ कर सकते हो। ये दिन में से कोई एक आपके पास वेजिटेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, सारी हैं तो वो सारी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। अब हमारी ये सॉस बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ये कुटी हुई काली मिर्च और ये मिक्स ऑर्गेनो हर्ब्स, क्योंकि हमने इसमें गार्लिक भी यूज़ किया है, तो मिक्स ऑर्गेनो हर्ब्स मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है। इसमें गार्लिक होता है तो मैंने थोड़ा सा ही यूज़ किया है।
आप यदि बड़ों के लिए बना रहे हैं तो ठीक है, यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्पाइसी का ध्यान रखें। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स हैं वो यूज़ कर लीजिए, मैंने किए हुए हैं। चिली फ्लेक्स नहीं तो आप हरी मिर्ची काट के भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक चॉप कर लीजिए उसको, काट लीजिए वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ मैं कितनी पतली है। आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ी सॉस नहीं बनानी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। तो इतनी पतली कंसिस्टेंसी में रहनी चाहिए आपकी ये सॉस, क्योंकि बाद में ये गाढ़ी भी हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ पास्ता। तो ये मैंने उबला हुआ पास्ता पहले से उबाल के रखा हुआ था ये हमारा, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। पास्ता कैसे उबालना है, मैक्रोनी कैसे उबालनी है, इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है फ्रेंड्स। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल फ्री चैनल है, कोई चार्जिंग चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, चैनल को फ्री सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे आपको देखने के लिए, सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने देखा कि मैंने इसमें नमक नहीं यूज़ किया है, तो मैं नमक जस्ट बिल्कुल लिटिल बिट यूज़ करूँगी इतना, क्योंकि मैं इसमें चीज़ भी यूज़ करूँगी और उसका नाम क्या है, जो मैंने ये सारे मटेरियल, बटर में भी थोड़ा सा नमक होता है, तो इस करके मैं ये नमक बहुत कम डाल रही हूँ इसमें। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब मैंने मेयोनीज डाली फ्रेंड तो आपने देखा कि मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर रखा था, बहुत ज़्यादा आपने हाई नहीं करना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि गैस का फ्लेम यदि आप हाई रखेंगे ना, तो मेयोनीज आपने जैसे दूध में डाली है और मेयोनीज डाली, उसको कंटिन्यूली चलाना है आपने, बहुत ज़्यादा उसको ऐसे डाल दी और यूँ मिक्स करके छोड़ दी, ऐसे मत करिएगा, आपकी सारी मेयोनीज ख़राब हो जाएगी, पास्ता ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो सॉस आपकी फट जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ये ध्यान रखना है, टिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपने। मैं अपने कई वीडियोस में बताती हूँ, मेरे शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखा करिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपको देखने के सीखने के लिए। तो ये मैंने चीज़ डाली है, ये मैं अमूल की चीज़ ये मिल जाएगी मार्केट में आपको इस तरीके की, आप इसमें मोजरेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैं चीज़ ब्लेंडेड यूज़ कर रही हूँ, आप चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, आप पार्मेसन चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास चीज़ क्यूब पड़े वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब चीज़ कितनी क्वांटिटी में डालना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कम खाना चाहते हैं, ज़्यादा खाना चाहते हैं, इस तरीके से। अच्छा, चीज़ आपने जो है वो लास्ट में यूज़ करनी है, पहले से मत यूज़ करिएगा, क्योंकि पहले से यूज़ करेंगे तो आपकी सॉस भी ख़राब हो जाएगी सारी, और आपका पास्ता और मैक्रोनी अच्छा नहीं बन पाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये हमने जो मैक्रोनी बनाई, इस तरीके की सॉस ही आपकी मैक्रोनी रहनी चाहिए या पास्ता रहना चाहिए, यदि आप सॉस वाला बना रहे हैं। प्लेन वाला आपने बनाना है तो आप वेजिटेबल ना यूज़ करें, और यदि आप वेजिटेबल वाली खाना चाहते हैं तो वेजिटेबल इस तरीके से यूज़ कर लीजिए। अच्छा, ये अब मैं गैस का फ्लेम कर दूँगी ऑफ, क्योंकि इस तरीके की सॉस जब ठंडी हो जाएगी तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी, तो जब भी आपने बनाना है तो इस तरीके की सॉस आपने रखनी है पतली, और ये ठंडी जैसी जैसे ठंडी होती जाएगी ये गाढ़ी होती जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपका आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल फ्री चैनल, कोई चार्ज नहीं, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, चैनल को फ्री सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपको देखने के लिए और सीखने के लिए। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फ्री सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएं। तो आप देख सकते हैं मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर रखा है, और ये जैसे जैसे मैं इसको चलाती जा रही हूँ ये गाढ़ी होती जा रही है, जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी और ये गाढ़ी होती जाएगी, पास्ता खाने के लिए रेडी हुआ है। मैंने स्पाइसी कम रखा क्योंकि मेरी बेटी को कम पसंद है ये स्पाइसी, मतलब मिर्ची कम पसंद है, तो इसलिए मैंने कम डाला। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, या अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, जैसे आपके बच्चे मिर्ची खाएं उस तरीके से डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स वंस अगेन प्लीज़ मेरे चैनल को फ्री सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, चैनल को फ्री सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट अगेन जरूर चेक करें, उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे आपको देखने के लिए और सीखने के लिए। तो बेल बटन ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें और सबसे पहले आप मेरा वीडियोज़ देख पाएँ। तो इंजॉय करें ये चीज़ मैक्रोनी और पास्ता, और अपने खाने को